Good evening, everyone. Once again, it's time to analyze your wonderful stories. बहुत ही भावुक हो गया इस बार का स्टोरीज. Mind blowing kids. Parents believe on me. आपके बच्चे mind blowing हैं. बहुत ही different mindset है. बहुत ही creative है. बात उस रास्ते की है जिस रास्ते पे चलते चलते कब बचपन से हम बड़े होते हैं और बड़े से हम बहुत बड़े हो जाते हैं, ग्रैंड हो जाते हैं और ग्रैंड पेरेंट्स की श्रेणी में आ जाते हैं. एक पिक्चर ही दी थी, सिर्फ आपके नन्हे मुन्ने बच्चों को एक पिक्चर दी थी और उस पिक्चर का डिपिक्शन, उस पिक्चर को स्टोरी में कन्वर्ट कर दिया आपके प्यारे बच्चों ने. बहुत ही अच्छी स्टोरी थी. कुछ छोटा सा एनालाइज करता हूं. वंशिका ने उस स्टोरी को देखकर जो टाइटल दिया है लवली ग्रैंड पेरेंट्स, उसका जो मोरल है उस बच्चे का, वी शुड ऑलवेज रेस्पेक्ट आवर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स एज दे लव अस द मोस्ट. दे आर डिलाइटफुल ब्लेंड ऑफ लाफ्टर, केयरिंग डीड्स, wonderful stories and love. Such a beautiful words she has written. वो बच्ची अपने grandparents को देखती है और उनसे जो affiliation है वो कहीं ना कहीं उसने अपने हाथों से उस पेज पर लिख डाला. बहुत अच्छा, very good story. Krishna, इनका टाइटल है When I Smiled First in My Childhood. कैथी एंड जॉन कोई बच्चे हैं जो कि अपने दादी के साथ में बहुत अटैच हैं. एक बार कुछ उनकी दादी को प्रॉब्लम हो जाती है तो बच्चे कैसे आउट ऑफ द वे जाके उनको हेल्प करते हैं. एक बहुत अच्छा इमोशनल बॉन्डेज क्रिएट किया है. बट कृष्णा अपनी ग्रामर में कुछ मिस्टेक्स हैं, उनको थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा, थोड़ा इंप्रूव करना होगा. इट्स अ वेरी गुड स्टोरी ऑल टुगेदर. सुहानी भारद्वाज, द टाइटल इज यू मेक मी स्माइल एंड द स्टोरी शी हैज रिटन अबाउट आहाना. इट्स अ ब्यूटीफुल स्टोरी, वेरी शॉर्ट एंड वेरी क्रिस्प, बड़े अच्छी स्टोरी. वो आहाना बच्ची डिसेबल है और उसका कोई दोस्त नहीं है सिवाय उसके ग्रैंड पेरेंट के, और वो सिर्फ और सिर्फ अपनी नानी के साथ में बहुत ज्यादा एफिलिएटेड है और उन्हीं के साथ में वो इतना ज्यादा एंजॉय करती है कि वो अपनी डिसेबिलिटी को भी भूल जाती है. दैट्स ब्यूटीफुल, वेरी गुड सुहानी. दिव्यांशी, योर टाइटल इज लेट्स हेल्प देम. यानी आपकी जो स्टोरी है वो उन बच्चों की है जो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में इतना बिजी हो जाते हैं और पेरेंट्स को भी ध्यान में नहीं रखते. उनके बच्चे खुद रियलाइज करा देते हैं कि कितनी इंपॉर्टेंस है ग्रैंड पेरेंट्स की. वेरी गुड स्टोरी यू हैव रिटन. द मोरल इज वी शुड ऑलवेज हेल्प ओल्ड पीपल इन आवर लाइफ इन डिफिकल्टीज. वेरी गुड. अनुष्का वंडरफुल स्टोरी रिटन एंड योर टाइटल इज अ ब्यूटीफुल रिलेशन. ब्यूटीफुल रिलेशन wants your support every time. That's the moral of the story. Good story. Thoda sa grammar ka part hai beta, usko thoda improve karna hai aapko. But it's a good story. Chahak Bhargav, Chahak, believe on me, you have written a very, very good story. Aapne jo story likhi hai uski jo connectivity hai wo bahut achhi connectivity, bahut strong connectivity hai. The title Chahak you have given is Importance of Elders. And we have to help each other. Grandparents teach the most important lesson of life. Today, become tomorrow, and the new generation will come in place. So, your story speaks very deep insight about the current situation which is all happening out there. कि हम लोग nuclear family में आ गए हैं. कहीं ना कहीं हम वो अटैचमेंट, एक अफिलिएशन अपने ग्रैंड पेरेंट्स का, अपने पेरेंट्स का, वो कहीं ना कहीं हमसे डिटैच हो रहा है. सो यू हैव पॉइंटेड आउट बहुत अच्छे तरीके से.
good story written. Very good. Redhima Agarwal, your title is Become Happy. And your moral is happiness is the most important part of life. You've tried well. Bahut acha likh sakte ho beta. Thoda aur improve karo. Your moral is very good, right? Then Pranjal. Pranjal, your title is Love for the Grandparents. And your moral is, it's all about grandparents ko lekar. Bacche kai bari dhyan nahi dete hain, lekin grandparents ke liye bacche ka jo pyar hai, wo bahut zyada hota hai. Wo kuch bhi karne ko tayar hote hain kisi bhi time pe. To aapne story mein, choti si story mein ye batane ki koshish ki hai ki kaise chote bacche kabhi dhyan nahi dete hain, apne grandparents se wo sare kaam karane ko bol dete hain, lekin unko realize jab hota hai, then they realize ki un grandparents ki age ho chuki hai, unse bahut zyada kaam nahi karana chahiye, balki unke liye support karna chahiye, right? Very good, Pranjal. And very positive story you have written. So now, Shreyanshi. Shreyanshi, your title is Our Family. And your moral is, when we lived together, we lived happily. I mean, kahin na kahin, aapke andar bhi wo baat hai ki hame ek saath rehna chahiye. Ek saath rehne ko aapne emphasize kiya hai. Very good story written. And aapne jo starting ki hai, wo bahut achhi kari hai, Shreyanshi. जिसमें हमने क्लियरली आपने ये मेंशन किया है कि हमारी सोसाइटी में ना सोसाइटी पेरेंट्स गिव फुल एफर्ट्स टू एजुकेट अस, लेकिन एक टाइम आता है जब हम एजुकेट हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं अपने पेरेंट्स को हम इग्नोर भी करने लगते हैं. सो यू हैव पॉइंटेड आउट दोस पॉइंट, वेरी गुड. एंड विनायक, योर टाइटल इज हेल्प अदर्स, एंड योर मोरल इज वी शुड हेल्प एवरीवन, एंड एज अ रिजल्ट गॉड विल help us. So कहीं ना कहीं आपने इसको कनेक्ट किया है कि हम जब आउट ऑफ द वे जाके हेल्प करते हैं तो भगवान हमें देख रहा होता है और वो हमें कहीं ना कहीं सपोर्ट करता है, हेल्प करता है. वेरी गुड स्टोरी. अनुश्री. अनुश्री, योर स्टोरी इज फैंटेबुलस. यू हैव रिटन अ वेरी गुड स्टोरी. इट्स अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हैज बीन ड्राइव्ड आउट. एंड योर पिक्चर के साथ में जो आपने रिलेशन क्रिएट किया है, इट्स अ वेरी वेरी गुड स्टोरी. कहीं पर भी स्टोरी लेफ्ट राइट डेविएट नहीं हो रही थी, बिल्कुल स्ट्रीम लाइन थी. जहां से आप शुरू कर रहे थे कहां पर आपको एंड करना है. वेरी गुड स्टोरी रिटन अनुश्री. योर टाइटल इज आवर आइडियल्स, राइट. इट्स अ स्टोरी ऑफ अ बॉय विक्रम और उसकी ग्रैंड मदर के बारे में, जहां पर ग्रैंड पेरेंट्स को आपने एम्फसाइज किया है कि ग्रैंड पेरेंट्स आर लाइक अ बिग ट्री. They give us shelter, they give us care, everything they do for us. And bachcho ke liye parents are everything, and grandparents bahut zyada affiliated hote hain. Grandparents are ideal to us, and we should learn from the experience of their life. Hame unke experience se learn karna chahiye. Abhi hamara experience nahi hai, lekin grandparents ka jo experience hai, it's so grand and huge. उस एक्सपीरियंस को हमको लर्न करना चाहिए. वेरी गुड. एंड हंसिका देवल. हंसिका देवल, योर स्टोरी इज वेरी वेरी डिफरेंट स्टोरी. वेरी गुड स्टोरी हंसिका, यू हैव रिटन. बिलीव ऑन मी, इट्स सच अ वंडरफुल स्टोरी. आई वुड लाइक टू स्पीक अबाउट योर स्टोरी. एक छोटा सा बच्चा बबुआ, जिसके ग्रैंडफादर के साथ में उनका बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होता है, लेकिन कहीं ना कहीं बबुआ की जो मम्मी है वो कुछ बातें ऐसी कह जाती हैं जिससे बबुआ को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उनके ग्रैंडफादर के हाथ शिवर कर रहे होते हैं. सो उनकी एज की वजह से तो एक आध बारी उनके हाथ से बाउल टूट जाती है, गिर जाती है. टूट के जब फर्श पे टुकड़े टुकड़े हो जाती है तो उसकी मदर बड़ी एंग्रीली बोल देती है कि आई वुड हैव गिवन एन ओल्ड मैन अ वुडन बाउल. सो ये बात सुनकर बबुआ को बहुत टच हो जाता है, फील हो जाता है. वो कहीं से एक लकड़ी का टुकड़ा लाता है और उसमें से वो उसको कार्व करने लगता है. तो उसकी मम्मी पूछती है कि बेटा ये क्या कर रहे हो, तो बताता है कि मम्मी एक दिन आप जब बड़ी हो जाएंगी तो मैं आपके लिए बाउल अभी से कार्व करके रखना चाहता हूँ, ताकि आपसे जब कोई हाथ से चीज गिरे तो टूटे ना. कितनी कनेक्टिंग है, कितनी स्ट्रॉन्ग स्टोरी है, और एक मैसेज देती है कि बच्चे देख रहे होते हैं कि हम अपने बड़ों से कैसे बात कर रहे हैं, और बच्चे ही इन चीजों का आगे चल के
एक रिलेशन क्रिएट करते हैं एंड दैट्स रियली इंपॉर्टेंट. सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड बरिका बरिका योर टाइटल इज वैल्यूज ऑफ फैमिली. रिया और एक अर्जुन की कहानी आपने बहुत अच्छे से कार्व आउट करी है, वेरी शॉर्ट एंड वेरी क्रिस्प, शेयरिंग थॉट्स ऑफ ईच अदर, यू नो फील्स हैप्पी, यू नो शेयरिंग थॉट्स विद ईच अदर फील्स ग्रेट. ये आपने स्टोरी में अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ में जो बच्चे हैं वो आपस में एक दूसरे से थॉट शेयर करते रहते हैं और बड़ों से अच्छा सीखते हैं और अपनी बातें भी अपने बड़ों को बताते हैं. टाइटल इज केयरिंग ग्रैंड पेरेंट्स एंड वी शुड हेल्प आवर ग्रैंड पेरेंट्स. ये आपने आराध्य और मिनी आपकी आपस में दो फ्रेंड्स की कहानी है जिसमें ग्रैंड पेरेंट्स के साथ में एक बच्चा थोड़ा सा रूड होता है और एक बच्चा बहुत सॉफ्ट होता है. तो इट्स अ लर्निंग फॉर अ चाइल्ड जो कि हमेशा रूड रहता है वो उससे सीखता है. इसीलिए कहते हैं एक अच्छी कंपनी एक अच्छे बच्चे की जरूरत है. इट्स अ गुड स्टोरी यू हैव रिटन शॉर्ट एंड क्रिस्प. एंड फाइनली सुहानी चौधरी योर टाइटल इज माई ग्रैंड पेरेंट्स एंड योर मोरल इज ग्रैंड पेरेंट्स आर वेरी वेरी स्पेशल and they should be treated in a special way, right? Grandparents are the most elder people in the family aur unse main bahut kuch seekhne ko milta. It's a very good story you have written and a beautiful story kyunki bacche grandparents se seekhte. At the end main sirf ek hi baat kehna chahta hu ki aap logo ne in bachchon ke andar jo sanskar diye hain I really appreciate. Aap logo ne jo bhi ghar ka environment hai and I would like to specially thank to the grandparents kyunki aapke bachchon ke jo grandparents hain un logon ki wajah se in bachchon ke andar jo inke inki stories mein main dekh pa raha hu wo inke andar ki feeling hai aaj ke itne haphazard zamane mein jahan par everything you know in our surrounding is filled with lot of negativity. अगर हम सीरियल्स की बात करें तो वो टाइम नहीं है जहाँ बुनियाद जैसे सीरियल आते थे जहाँ हम लोग जैसे सीरियल आते थे परिवारों को बांधने की बात करते थे. आज के सीरियल तो आप जान ही रहे हैं कैसे हैं जो परिवारों को बांधने की तो सोच भी नहीं सकते हैं. उसके बावजूद भी अगर आपके बच्चे अपनी फीलिंग से वो बातें कह रहे हैं जहाँ पर उनके इमोशंस फैमिली को लेकर है. ज्यादातर बच्चों ने एम्फसाइज किया कि एक साथ रहना चाहिए एक साथ फैमिली में एक दूसरे से फीलिंग शेयर करनी चाहिए. ये शुड ज्यादा भी चलता है सिर्फ आपके ही बच्चे नहीं है इन पे कुछ हमारा भी हक है और हमसे ज्यादा ये इस देश के बच्चे हैं. आज अगर ये बच्चे ये थॉट लेकर चलते हैं तो कल जब बड़ी पोजीशन पर बैठेंगे तो इस देश को चलाएंगे और इसी थॉट से अगर इस देश को चलाएंगे तो सिर्फ ये समाज ही नहीं बदलेगा बल्कि ये देश भी बदलेगा. थैंक यू सो मच. गुड बाय फ्रॉम नाउ.